हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेडियो नाटक को अंधेरे का नाटक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मंचन अदृश्य होता है, मतलब रेडियो नाटक को हम देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसे सिर्फ सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। भाषा, संवाद, नरेशन, ध्वनि एवं संगीत इस रेडियो नाटक के प्रमुख उपकरण होते हैं और कथानक, पात्र, दृश्य संवाद एवं उद्देश्य नाटक के मुख्य बिंदु। अतः हम कह सकते हैं कि रेडियो नाटक शब्द, ध्वनि और संगीत का समन्वित रूप है। पात्रों के कार्य व्यापारों, ध्वनि प्रभावों, संवादों, संगीत को कथा के सूत्र में पिरोकर रेडियो पर प्रस्तुतिकरण की क्रिया ही रेडियो नाटक कहलाती है। दोस्तों, ये तो हुई रेडियो नाटक की परिभाषा। रेडियो नाटककार के लिए आवश्यक है कि वह कल्पना जीवी हो, यानी कि वो कल्पना के संसार में विचरण करने वाला हो, क्योंकि रेडियो नाटककार के पास एक विशाल कैनवस होता है जिसमें वह अपनी कल्पना से शब्द रूपी तुलिका द्वारा जीवन के अनेक रंग भर सकता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम रेडियो नाटक को जीवंत बनाने में सहायक रेडियो नाटक के तत्वों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं रेडियो नाटक के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। रेडियो नाटक का सीधा संबंध श्रोताओं के अंतर्मन से होता है। रेडियो निसर्गतः अंतर्मन का नाटक है, अभिव्यक्ति का अत्यंत आत्मीय माध्यम है, यह आत्मनिष्ठ नाट्य रूप है। दोस्तों, रेडियो नाटक के अतिरिक्त ऐसी कोई विधा नहीं है जो मानसिक अंतर्द्वंद को स्पष्ट और प्रभावोत्पादकता से व्यक्त कर सके। रेडियो नाटककार मानवीय स्पंदनों का कुशल चित्रकार होता है, यानी कि जो मानव के मन में जितनी भी भावनाएं होती हैं उसे रेडियो नाटककार अपने शब्दों के जरिए अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकता है। यद्यपि इसमें कलाकारों और श्रोताओं का कोई आपस में संबंध नहीं होता, यानी कि श्रोता अपने कलाकारों को देख नहीं पाते हैं, सिर्फ सुन पाते हैं, किंतु फिर भी संवेदना के स्तर पर जितने भी श्रोता हैं वो कलाकारों से किसी न किसी रूप में जुड़ ही जाते हैं और उनसे अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ा रेडियो नाटकों की सफलता का कारण है। रेडियो नाटक में प्रभान्विति हेतु कथानक, चरित्र चित्रण आदि से संबंधित सभी नियम समान रूप से लागू होते हैं। माध्यम की भिन्नता के कारण रेडियो नाटक की निजी विशेषताओं, क्षमताओं तथा सीमाओं को दृष्टिगत रखते हुए इसके कुछ तत्व गिनाए जा सकते हैं, मुख्य तत्व बताए गए हैं, उन पर हम विस्तार पूर्वक अपने चर्चा कर लेते हैं। और उसका सबसे पहला तत्व है कथानक। यह रेडियो नाटक का मुख्य तत्व है। इसका संबंध नाटक की संपूर्ण घटनाओं और उसके अवांतर उपाख्यानों के समूह से है, यानी कि कार्यक्रम में नियोजित घटनाओं की श्रृंखला को हम कथानक कहते हैं। और इन घटनाओं की सार्थकता साहित्य में तभी है जब वे मानवीय अर्थों या संदर्भों से संबंधित हो। रेडियो नाटक के दृश्य नाटक की तरह बीज, आरंभ, विकास, संघर्ष और अंत को स्वीकार करते हैं। कथानक घटनाओं रूपी नाटक की पहली सीढ़ी है जिसके ऊपर नाटक का चढ़कर अपने श्रोताओं की रुचि उसको पता चलती है और उसके जो जितनी भी श्रोता हैं उनकी जिज्ञासा कथा नाटक का जान पाता है और अपने श्रोताओं की जिज्ञासा को और उत्तेजित करता है। कथानक में एकाग्रता अनवृत्ति आवश्यक है। रेडियो या टेलीविजन का कथानक रंगमंच नाटक की अपेक्षा अधिक लचीला, सरल एवं स्पष्ट होता है, तभी उसके श्रोतागण उसे आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि रेडियो नाटक को हम देख नहीं सकते, हम पात्रों के हाव भाव नहीं देख पाते हैं, सिर्फ शब्दों से ही और उनके संवादों को हम सुन सकते हैं या शब्दों से उनके हाव भावों को समझ सकते हैं। कथानक को ही समीक्षक ने नाटक की थीम, उद्देश्य, मुख्य अंश माना है। इसमें पात्रों के संघर्ष की गाथा के साथ साथ उनके रूप की गाथा भी होती है, यानी कि पात्र कैसा है
इसका भी श्रोता सिर्फ शब्दों से अंदाजा लगाते हैं। सुविधा की दृष्टि से नाटककारों ने कथानक के तीन भाग किए हैं। पहला है पात्रों का प्रारंभिक दोह और दूसरा क्रिया का शेष और तीसरा जो पात्र है उनके संघर्ष को दर्शाता है। तीनों भागों को क्रमबद्धता एवं गतिशीलता पर विशेष ध्यान रखना होता है। श्रोता व दर्शकों पर नाटक का क्या प्रभाव पड़ेगा इसी के अनुसार नाटककार को नाटक का समापन करना चाहिए। यानी कि जो रेडियो नाटक है उसमें नाटककार का काम काफ़ी हद तक बढ़ जाता है रंगमंच के जो नाटक होते हैं उनकी अपेक्षा। अगला प्रमुख तत्व है रेडियो नाटक का चरित्र। रेडियो नाटक में चरित्र का प्रयोग उन सभी के लिए किया जाता है जो जीवन रूप में नाटक का अंग है। जीवन के अधिक निकट होने के कारण रेडियो नाटक जनमानस की भावनाओं आशाओं एवं आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने में सार्थक एवं सफल रहते हैं। रेडियो नाटक के चरित्र समसामयिक एवं सामान्य सर्वसामान्य जीवन के सर्वसाधारण पर प्राणी होते हैं। यानी कि वो हम जैसे ही प्राणी होते हैं श्रोताओं जैसे ही जिनके भाव विचार संवेदनाएं एवं अनुभूतियां नित्य प्रति के जीवन संघर्ष से भरी होती हैं। रेडियो नाटक के चरित्रों को दोस्तों दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय चरित्र। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय उनसे है जो नायक प्रतिनायक खलनायक और नायिका आदि के रूप में नाटक के कथानक को गति प्रदान करते हैं। यानी कि नाटक के प्रमुख चरित्र चरम सीमा की ओर नाटक को ले जाते हैं। और केंद्रीय चरित्र भी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम जो संपूर्ण नाटक पर शुरुआत से अंत तक छाए रहते हैं और दूसरे वे जो चरित्र जो नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शुरुआत से अंत तक नहीं होते वे भी नाटक को गतिशीलता प्रदान करते हैं। प्रमुख चरित्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उभार कर उसमें विस्तार और व्यापकता भी ये दूसरे तरह के चरित्र ही लाते हैं। अपेक्षाकृत इनका महत्व कम होने के कारण इन्हें गौण चरित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये नाटक में शुरू से अंत तक नहीं रहते हैं और आवश्यकता के अनुसार इनका पात्र इसमें इनका चरित्र इनमें नाटकों में दिखाया जाता है। दूसरा है परिधिगत चरित्र। इन्हें हम सहायक चरित्र भी कह सकते हैं। ये द्वंद्व की जीवन शक्ति से भरपूर जटिल और जीवंत व्यक्तित्व वाले होते हैं। केंद्रीय चरित्र का क्रिया व्यापार में सहयोग देना और उसकी इच्छा पूर्ति हेतु क्रियाशील रहना ही परिधिगत चरित्रों का काम होता है। अगला तत्व है ध्वनि। ध्वनि और शब्दों के उचित सामंजस्य से ही रेडियो नाटक का निर्माण किया जा सकता है। ध्वनि को रेडियो नाटक का आधार माना गया है। भारतीय मनीषियों ने ध्वनि के दो प्रकार माने हैं। पहला है व्यक्त ध्वनि और दूसरा है अव्यक्त ध्वनि। रेडियो नाटक में किसी भी ध्वनि का उपयोग तीन रूपों में किया जाता है। तीन रूप कौन कौन से हैं? भाषा, ध्वनि प्रभाव और संगीत। इनके विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। भाषा, रेडियो पर मात्र श्रवण द्वारा ही सुनकर ही नाटक का रसास्वादन किया जाता है। यानी कि श्रोता सिर्फ सुनकर ही नाटक को महसूस करते हैं, नाटक का रस ले पाते हैं और अपने मानस पटल पर अनेक दृश्यों की परिकल्पना भी श्रोतागण कर लेते हैं। दृश्य सुख की अनुभूति करके पात्रों के मनोभावों से परिचित होते हैं। इसलिए नाटक की भाषा सुंदर और मर्मस्पर्शी शब्दों वाली होनी चाहिए जो कि श्रोताओं के मन पर एक अमिट छाप छोड़ दे। रेडियो नाटक का शब्दों के सुंदर प्रयोग से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। रेडियो नाटक में भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। पहला संवाद और दूसरा है नरेशन अथवा वाचन। संवाद किसे कहते हैं दोस्तों? श्रव्य होने के कारण रेडियो नाटक शब्दों और संवादों पर ही पूर्णतः निर्भर करते हैं। संवाद होते क्या है? जो किसी भी नाटक की कथा को आगे बढ़ाते हैं, नाट्य प्रयोजन सिद्ध करते हैं, श्रोताओं को रस से सरोबार करते हैं, ये सब कार्य संवाद से ही होता है। संवादों से ही श्रोता जो परिवेश है उसका नाटक का परिवेश है उससे परिचित होते हैं। वातावरण की सृष्टि करने का काम भी संवाद ही करते हैं। नाटक का संवादों द्वारा ही पात्रों की मनस्थिति को स्वाभाविकता से व्यक्त करते हैं। पात्रों का अंतर्द्वंद्व संवादों द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। संवाद लिखते समय लेखक स्वयं ही पात्रों के किरदार में खो जाते हैं और तभी वे अच्छे संवाद लिख पाते हैं।
और तभी वे मर्म स्पर्शी भाषा अनुकूल संवाद लिख सकते हैं। नरेशन वाचन क्या है? नरेशन से अभिप्राय है रेडियो नाटक के उस संवाद से जिसके द्वारा नाटक के क्रियाकलापों के लिए वातावरण का निर्माण किया जाता है, घटनाओं की श्रृंखला को जोड़ा जाता है और परिस्थितियों आदि के अभाव की पूर्ति की जाती है। जब हम रंगमंच पर नाटक देखते हैं तो उस पर सूत्राधार और रेडियो पर नरेटर का अथवा वाचन का कार्य एक जैसा ही होता है, यानी कि रंगमंच पर जो कार्य सूत्राधार करता है नरेशन वाचन का कार्य, वही कार्य रेडियो नाटक में नरेशन वाचन का होता है। ध्वनि प्रभाव, ध्वनि प्रभाव को रेडियो नाटक की निजी संपत्ति कहा जा सकता है। दृश्य तत्व के अभाव की पूर्ति अर्थात वातावरण के निर्माण के अतिरिक्त संपूर्ण घटना चक्र और क्रियाकलाप को जीवंत बनाने के लिए ध्वनि प्रभावों का प्रयोग किया जाता है। नाटक में यथार्थता तथा स्थूलता लाने के उद्देश्य से भी ध्वनि प्रभाव का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। संगीत, रेडियो नाटक शिल्प में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। जीवन के रागात्मक अनुभूतियों की अभिव्यंजना हेतु संगीत के मधुर स्वरों की आवश्यकता होती है। नाटक के संवादों की पृष्ठभूमि के रूप में भी इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, संगीत पात्रों के अंतर्द्वंद को तीव्रता से व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। हर्ष, विषाद, राग अनुराग, जय पराजय, आशा निराशा, उल्लास उदासीनता, इन सभी की अभिव्यंजना की पृष्ठभूमि में संगीत का प्रयोग इसे अत्यंत प्रभावशाली बना देता है और श्रोतागण नाटक को और भी रस लेकर सुनते हैं। चलचित्र दूरदर्शन की भांति रेडियो नाटक में भी संगीत बहुत आवश्यक होता है। जो संगीत है वह वातावरण का निर्माण करता है और इसके मोहक स्वर श्रोताओं के मन को छू लेते हैं और श्रोतागण पात्रों की भावनाओं और गहराई में संगीत के कारण जितने भी पात्र हैं उनकी भावनाओं और गहराई में डूब जाते हैं। संगीत से नाटक में मधुरता, भराव और सरसता आ जाती है और नाटक और अधिक रुचिकर हो जाता है। संगीत कैसा होना चाहिए? संगीत कथा वस्तु के अनुरूप भी होना चाहिए, इसलिए नाटककार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संगीत का उपयोग नाटक को सशक्त बनाने के लिए किया जाए। संगीत रेडियो नाटक का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। बिना संगीत की सहायता के तो नाटक ही नाटक हो, लोक नाट्य हो या रेडियो नाटक हो, किसी में सरसता संभव ही नहीं है। वैसे भी रेडियो नाटक के तीन ही तो मूलाधार है, संवाद, ध्वनि प्रभाव और संगीत। अंत में रेडियो नाटक का प्रमुख तत्व है शीर्षक। रेडियो नाटक के लिए उसका शीर्षक बहुत महत्व रखता है। शीर्षक तो किसी का भी हो बहुत महत्व रखता है। आप किसी कहानी, कथानक, किसी कहानी का देख लीजिएगा, उपन्यास का, या जो रंगमंच के नाटक है, एकांकी है, किसी का भी, जितना अच्छा शीर्षक होगा उतना ही वह प्रभावशाली बन जाएगा। शीर्षक की उद्घोषणा से ही श्रोता नाटक सुनने के लिए उत्सुक हो उठते हैं। शीर्षक रोचक हो, उसमें चुंबकीय आकर्षण हो, कौतूहल अभिवृद्धि करने वाला हो, नाटक की कथा वस्तु से जुड़ा हुआ हो। शीर्षक नाटक की समाप्ति पर श्रोताओं के मन पर एक गहरी छाप छोड़ दे, ऐसा होना चाहिए। इसलिए नाटक का शीर्षक उत्कृष्ट कोटि का होना चाहिए। दोस्तों, ये हमने जाने रेडियो नाटक के प्रमुख तत्व। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों पर समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, अपने मन में उठने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको करना क्या है, बस कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिखना है। शीघ्र अतिशीघ्र मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।